और थोड़ा आगे बढ़ने पे एक और एंट्री पॉइंट है, यहाँ पे देख सकते हैं अंदर से दिखा रहा है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो आज मैं आ गया हूँ बिहार का काशी कहे जाने वाले अरेराज मंदिर, जो सोमेश्वर नाथ मंदिर है। और ये पीछे देख सकते हैं, ये देख सकते हैं यहाँ पीछे एक तालाब टाइप का है और उसके चारों तरफ दुकान भी है। और एक यहाँ पे बोट भी लगा हुआ है। और जो मेन मंदिर है वो यही है, आगे से रास्ता है, इसके पीछे ही ये तालाब है। और एक उधर भी मंदिर है, पता नहीं कौन सा मंदिर है, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो धूप बहुत ज़्यादा है, अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं, वहाँ भी दिखाते हैं आप लोगों को। तो यहाँ बहुत सारा गेट है, उसमें से एक गेट ये भी है। चलिए अंदर चलते हैं, ये विशेष कांवरिया लोग जो थे उनके लिए बनाया गया है। तो चलिए इधर से ही चलते हैं, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो एक दरवाज़ा इधर से है, देख सकते हैं आप, और यहाँ पे साइड में लिखा हुआ है बिहार का काशी। तो ये बाहर में शॉप सब है, प्रसाद ये सबका। और ये देखिए, ये मंदिर का जो दरवाज़ा है एंट्री पॉइंट, वहाँ ऊपर हर हर महादेव बना हुआ है और ये एंट्री पॉइंट है। तो चलिए चलते हैं अंदर, और अंदर का दिखाते हैं आप लोग। अंदर घुसते हैं, ये गेट के पास ही ये संकल्प ये सब करवाने के लिए बहुत सारे पंडित लोग बैठे हुए हैं जो संकल्प ये सब करवाते हैं। और उधर प्रसाद की भी दुकानें हैं। और यहाँ से कुछ ऐसा है चारों तरफ का व्यू। और ये सामने जो मेन टेंपल है सोमेश्वर नाथ मंदिर, ये सामने है। चलिए अंदर कैंपस में जो जो मंदिर है आप लोगों को दिखाते हैं। तो कैंपस में ही सबसे पहले ये श्री हनुमान मंदिर है, और अंदर में देख सकते हैं बजरंगबली की ये मूर्ति है। और इसके ठीक बगल में है माता पार्वती मंदिर, लेफ्ट साइड में है। और यहाँ पे ये छोटे छोटे दो मंदिर हैं, श्री भैरवलाल और श्री हरि विष्णु भगवान मंदिर। तो ये माँ पार्वती मंदिर है, जिसमें अंदर में बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है। और इसी हनुमान मंदिर के बगल में है श्री मनसा बाबा मंदिर, जहाँ पे सामने ये देखिए। तो यही कुछ मंदिर है जो मतलब कि सेकेंडरी मंदिर है, मेन मंदिर है सोमेश्वर नाथ मंदिर। तो चलिए अब उसके दर्शन करते हैं और आप लोग को भी करवाते हैं। तो ये बाबा सोमेश्वर नाथ महादेव मंदिर के सामने नंदी बाबा है। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा सा त्रिशूल भी है, जो काफी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। तो ये यहाँ से एंट्री पॉइंट है, चलिए चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आप लोग को भी बाबा सोमेश्वर नाथ मंदिर। ये अरेराज में बना मंदिर, जो पूर्वी चंपारण जिले में आता है बिहार के, बहुत ही अंडररेटेड है, क्योंकि इसको कोई हाईलाइट नहीं करता है। लेकिन इसको बिहार का काशी भी बोलते हैं, और पंचमुखी शिवलिंग है अंदर में। और इसकी कहानी जो है वो अहिल्या प्रकरण वाला जो हुआ था, जिसमें अहिल्या और चंद्रदेव को श्राप दिया गया था, उस समय श्राप की मुक्ति के लिए
चंद्रदेव ने यहाँ पे शिवलिंग की स्थापना की थी। तो चलिए अंदर, यहाँ पे नीचे में जाके दिखाना होता है, नीचे में है शिवलिंग, तो उसको दिखाते हैं आप लोग। चलत रहेंगे। और यहाँ से एक एग्जिट पॉइंट है, ये एग्जिट पॉइंट है। तो नीचे अंदर गह्वर में बनाया गया है शिवलिंग को, तो अंदर अभी गए हैं। और जैसे कि अभी सुबह है तो हल्की फुल्की भीड़ है, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है, अच्छे से दर्शन हो गए अंदर। तो चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, बाहर देखते हैं अगर कुछ और मंदिर होगा तो उसको भी कवर करेंगे। तो ये मंदिर के एग्जिट से निकलने के जस्ट सामने ही है विष्णु मंदिर, तो वहाँ भी चलते हैं, आप लोग को भी दिखाते हैं। तो ये जो पोखर जो दिखाया था मैंने, उसके सामने जो था वो विष्णु मंदिर ही है। अभी कंस्ट्रक्शन में ही है, देख सकते हैं अभी सही से बना नहीं है। तो ये मंदिर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी काम चल ही रहा है, विष्णु भगवान का मंदिर बन रहा है, बनेगा तो काफ़ी भव्य दिखेगा। अभी तो ऐसे ही मूर्ति लगा के और पूजा हो रही है। चलिए अब चलते हैं आगे। और यहाँ पे सामने ही पशुपतिनाथ जी की भी यहाँ पे मूर्ति लगाई गई है, देख सकते हैं आप लोग। और इनके सामने में भी छोटी सी नंदी बाबा की यहाँ पे प्रतिमा है। तो जैसे ही अंदर भीड़ बढ़ने लगती है तो गेट को क्लोज कर दिया जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि अंदर जब खाली हो जाए तो फिर इन लोगों को एंट्री दी जाए, क्योंकि अंदर बहुत पतला रास्ता है नीचे जाने का और फिर निकलने का, तो भगदड़ मचने की संभावना हो सकती है। इसलिए भीड़ को कंट्रोल करते हुए ही पूरा स्टेप लेकर मंदिर प्रशासन अपना काम कर रही है। और यहाँ एग्जिट पॉइंट जो है उससे जस्ट पहले है माँ गंगा का एक यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रतिमा। हाँ जी, तो यहाँ पे पूजा पाठ सब कंप्लीट हो गया, तो अब यहाँ से निकलने का टाइम आ गया। ज़्यादा कुछ नहीं है, एक ही कैंपस में चार पांच मंदिर है और एक बगल में विष्णु मंदिर है, वो तो आप लोग देख सकते हैं, जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी बना नहीं है, तो फ्यूचर में आने वाले कुछ दिनों में वो बन जाएगा। तो यहाँ से अब निकलते हैं। तो यहाँ पे लास्ट में पूरा तिलक ये सब लग गया है और यहाँ पे कोई नेता आया हुआ है जेडीयू का। चलिए, एक यहाँ पे गेट और है, एक तरह से मेन गेट यही है जिससे मैं आया था, वो वाला जो गेट था वो था जैसे कि बोलबम ये सब के लिए, ज़्यादा भीड़ ना हो इसीलिए उसको बना दिया गया था। तो ये तो अगर आपको किसी भी कारण से ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, बी लिमिटलेस, बाय बाय। और यही ये जो पुल है इसके पार करते हुए लेफ्ट साइड में पार्किंग भी है, तो वहीं पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी है। लेफ्ट साइड में पूरी पार्किंग है, फोर व्हीलर का ₹50, टू व्हीलर का